Hey guys, this is Vishnu Solanki and you are watching Step Up Maths. So now in this lecture we are starting our examples of differentiability. So previous lecture हमने क्या देखा था, differentiability क्या होता है, उसकी conditions क्या होती है, theorems कौन कौन से related है, वो सब चीजें हमने देखी थी. Main हमने chain rule देखा था. Chain rule क्या होता है, किस तरह से हम उसको apply करते हैं. So now in this example we are solving the examples of exercise 5.1. Exercise 5.1 है जो CBSE class का, उसमें कुछ examples मैंने select किए हैं, वो आज हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल, कॉस साइन एक्स. पहली बात तो एक चीज समझ लो, जितने भी आपको एग्जांपल्स आपके पास होंगे वो फंक्शन होंगे, वो सब कॉम्पोजिट फंक्शंस होंगे. ये सब कॉम्पोजिट फंक्शंस है और इसलिए ही हम उसमें चेन रूल अप्लाई करते हैं. लेफ्ट, सबसे पहले इस पर मैं जो साइन एक्स है उसको मैं सपोज कर रहा हूं यहां पे t. तो आपका जो फंक्शन हो गया, मींस इसको अगर मैं y कहूं, फंक्शन इज इक्वल टू y, तो y आपका हो गया cos t. ठीक है, यहां पे मैंने t रख दिया. नाउ आई जस्ट वांट टू डिफरेंशिएट इट dy बाय dx. मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो ऑब्वियसली मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा cos t को. तो डिफरेंशिएट cos t का क्या होता है, माइनस साइन t. cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन t. और ये जो t है उसका डिफरेंशिएशन आपको वापस करना पड़ेगा पीछे. देखो जब भी कोई चेन रूल अप्लाई करते हो आप, जब भी कहीं पे भी आप चेन रूल अप्लाई करते हो तो आपको डायरेक्टली, देखो आपको ये स्टेप नहीं लिखना है, डायरेक्टली ये स्टेप लिखना है. कोस टी का क्या होता है, माइनस साइन टी. और जो ये वेरिएबल है टी, उसका पीछे से डिफरेंशिएशन और एक बार करना पड़ता है. देन डीवाई बाय डी एक्स माइनस साइन टी की जगह क्या रखेंगे हम वापस, साइन एक्स. और डिफरेंशिएशन यहां हमें करना है किसका, टी का. टी का मतलब साइन एक्स का. आपको फॉर्मूला आना चाहिए डिफरेंशिएशन का, तो ये एग्जांपल आपसे सॉल्व होगा. माइनस साइन साइन एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स. दिस इज योर आंसर. तो इस तरह से यही मेथड है आपको सॉल्व करने की, यही मेथड से आप उसको सॉल्व करोगे बाय चेन रूल. ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल, y इज इक्वल टू sec tan रूट एक्स. ओके सर, इसको किस तरह से सोल्व करें, अगेन ये कॉम्पोजिट फंक्शन है तो tan रूट एक्स. देखो यहां तीन फंक्शन है एक्चुअली, sec tan एंड रूट एक्स. तो मैं t सपोज कर लेता हूं tan रूट एक्स को, तो अगर dy बाय dx लिख दू, dy by dx मतलब y का डिफरेंशिएशन, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x into tan x. sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x into tan x. पर यहां एक्चुअली आप देख सकते हो कि y कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, sec t. y sec t है तो sec t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec t into tan t. और ये t का डिफरेंशिएशन वापिस हमें करना पड़ेगा पीछे से dt by dx because of change rule. sec t यानी कि sec t की वैल्यू है tan root x, लिख दिया tan t, तो tan tan root x लिख दिया. अब हमें डिफरेंशिएशन करना है यहां पे किसका, t का, मतलब के tan रूट एक्स. एग्जाम्पल ध्यान से देखो, t की वैल्यू पुट की है और डिफरेंशिएशन करना है t का, मतलब tan रूट एक्स. sec tan रूट एक्स tan tan रूट एक्स, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा. अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x,
डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स, ये कुछ फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, और ये रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन पीछे से होता है, रूट एक्स का भी आपको डिफरेंशिएशन पीछे से करना पड़ता है, जो होता है वन अपॉन टू रूट एक्स। ये फॉर्मूला है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक्स की वन बाय टू पावर, रूट एक्स यानी कि वन बाय टू पावर आगे आएगी, वन बाय टू पावर में से हम एक माइनस करेंगे तो माइनस वन बाय टू होगा, तो उसको सोल्व करेंगे तो वन अपॉन टू रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे कुछ सोल्व नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जो सीरीज है, एक्सरसाइज है, उसमें टोटल 10 एग्जाम्पल्स हैं, हमने उसमें से टोटल 6 एग्जाम्पल सिलेक्ट किए हैं जो मुझे लगा कि करवाने चाहिए, स्लाइटली डिफिकल्ट कंपेयर टू अदर्स। नेक्स्ट है कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 5। सो यहां पे आपको दोनों फंक्शन दिख रहे हैं, दोनों फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो मैं कह सकता हूं ये यू और ये वी है। यू वी क्या होता है, यू वी मेथड्स में फॉर्मूला कौन कौन से अप्लाई होते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया, यू वी। तो अब हम यहां पे डीवाई बाई डी एक्स में यहां पे लिखूं, तो मुझे इसको यू वी के फॉर्म में ही सोल्व करना है। सबसे पहले यू डिफरेंशिएशन ऑफ वी, यानी कि ये ठीक है, प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u, u यानी कि cos x क्यूब। ठीक है, u डिफरेंशिएशन ऑफ v, v डिफरेंशिएशन ऑफ u, फॉर्मूला है। सबसे पहले तो ये डिफरेंशिएशन वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सॉल्व करें, फिर इस यहां पे उसको वैल्यू रखेंगे उसकी। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 5, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 5। देखो जब भी यहां पे पावर आप देखते हो किसी भी चीज की, किसी भी फंक्शन की, किसी भी वेरिएबल की, तो वो आगे आती है, उसमें से एक कम होता है, 2 आगे आएगा तो 2 साइन एक्स रेस टू 5, और ये साइन एक्स रेस टू 5 का डिफरेंशिएशन आपको वापिस पीछे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, देखो जब भी एक्स क्यूब होता है तब उसका डिफरेंशिएशन क्या करते हो, पावर आ गया 3x2, पर एक्चुअल में क्या है, ये एक्स है उसका भी डिफरेंशिएशन पीछे होता है, पर यहां पे ये 1 हो जाता है, इसलिए यूजुअली हम इसको लिखते नहीं है, हम डायरेक्टली 3x2 लिख देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन यहां पर 1 हो जाता है। बट फैक्ट इज यहां पे 1 नहीं हो रहा है, यहां पे साइन एक्स रेस टू 5 पूरा एक वेरिएबल बैठा हुआ है, तो 2 साइन एक्स रेस टू 5, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स रेस टू 5 होता है कोस एक्स रेस टू 5। साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, तो साइन एक्स रेस टू 5 का कोस एक्स रेस टू 5, बट एक्स रेस टू 5 का भी पीछे से करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, जो होता है एक्स रेस टू 5 का पावर आगे आएगा 5x^4। तो ये डिफरेंशिएशन इतना बड़ा हुआ किसका, सिर्फ ये वाले टर्म का। ठीक है, अब मैं बात करता हूं डिफरेंशिएशन कोस एक्स क्यूब की, करना है ना डिफरेंशिएशन कोस एक्स क्यूब का, डिफरेंशिएशन कोस एक्स क्यूब क्या होता है, कोस एक्स के कोस एक्स क्यूब का क्या होता है, जैसे साइन एक्स रेस टू 5 का हुआ कोस एक्स टू 5, तो कोस एक्स क्यूब का होगा माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का पीछे से करेंगे डिफरेंशिएशन तो होगा 3x2। इजी है, लिसन ये इजी है, इतना हार्ड नहीं है डिफरेंशिएशन, अभी इतना हार्ड चालू नहीं हुआ है, दोनों आंसर हमारे पास है सिंपल, ये दोनों आंसर को अगर हम यहां पर पुट कर देंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहां पे थोड़ी जगह कम है, आपको क्या करना है, सिर्फ यहां पे ये जो यहां पे इसका आंसर ये रहा,
और इसका आंसर है ये दोनों टर्म्स, सॉरी मैंने ऐसे ऐसा ही रहेगा, तो ये दोनों आंसर्स आपको यहाँ पे पुट कर देने, दिस इज योर आंसर। नाउ एग्जाम्पल नंबर फोर। ओके, टू रूट कोट एक्स स्क्वायर। देखो इसको समझने पे लिए, सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन रूट एक्स का क्या होता है बच्चों? वन अपॉन टू रूट एक्स, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। बट द फैक्ट इज ये एक्स का डिफ्रेंसिएशन वापिस पास में करना पड़ता है, आपको एक्स का डिफ्रेंसिएशन पास में करना पड़ता है जो वन हो जाता है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स शुड बी वन, इसलिए वन हो जाता है, इसलिए हम उसको मेंशन नहीं करते हैं, लिखते नहीं है। बट यहां ऐसा नहीं है, यहां कोट एक्स स्क्वायर का तो कोई वन नहीं होने वाला है। रूट में कोई भी चीज हो तो उसका क्या होगा? टू रूट एक्स का होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, तो इसका भी होगा टू वन अपॉन टू रूट एक्स, ठीक है। और डिफ्रेंसिएशन आपको करना पड़ेगा किसका? जो अंदर बैठा हुआ है कोट एक्स स्क्वायर, जो है वो है फॉर्मूला है रूल्स है उस हिसाब से किया। चलो मैं ये टू टू अभी कैंसिल कर देता हूं, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं चाहिए। रूट कोट एक्स स्क्वायर, कोट क्या होता है? कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन, तो साइन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमिनेटर में, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं साइन एक्स स्क्वायर अपॉन कोस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वन अपॉन कोट है ना, वन अपॉन कोट होता है टेन, और टेन का ये फॉर्मेशन है। डिफरेंसिएशन ऑफ कोट एक्स स्क्वायर, कोट एक्स स्क्वायर का होता है माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, और एक्स स्क्वायर का वापिस पीछे डिफरेंसिएशन करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का, जो हो जाता है टू एक्स। दिमाग लगाना है, चेन रूल ये है, एक्स स्क्वायर का वापिस पीछे डिफरेंसिएशन करना है वो होता है टू एक्स। एक काम करते हैं, यहां साइन कोस के फॉर्मेशन में है तो यहां भी साइन कोस का फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। कोसेक यानी होता है वन अपॉन साइन, ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनता कैसे है? ये बनता है साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके, ये बनता है ये दोनों छोटे छोटे टर्म्स को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब यहां पे देखो ये साइन एक्स स्क्वायर है, ये भी साइन एक्स स्क्वायर है, ये रूट में है, ये रूट में नहीं है, तो मैं यहां कट कर सकता हूं, या कट करूंगा तो यह एक रूट में बचेगा, है ना। जो है वो दिमाग लगाना है और कुछ नहीं है। साइन एक्स स्क्वायर रूट में है या रूट में नहीं है, कट किया तो एक रूट में रिमेनिंग रहेगा। अब बचा क्या है वो लिखो, माइनस टू एक्स इन द डिनोमिनेटर कोस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स स्क्वायर। आपका एक फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल का, टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है साइन टू थीटा, टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है टू साइन टू थीटा, टू साइन टू थीटा सॉरी। तो मैं यहां पे मुझे टू चाहिए कैसे भी करके, तो मैं फॉर्मूला बना सकूंगा। चलो मैंने यहां टू लिख दिया, मतलब मैंने रूट टू डिनोमिनेटर में डाल दिया, तो मुझे सेम टू सेम न्यूमिनेटर में भी डालना पड़ेगा रूट टू, समझ में आया? तो क्या होगा, माइनस टू रूट टू एक्स टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है साइन टू थीटा, थीटा की जगह एक्स स्क्वायर है यहां पे, और साइन एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है। तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर आया।
ठीक है, इतना इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, cos root x क्या होता है, रूट एक्स को सपोज वही टी सपोज करोगे आप, तो y इज इक्वल टू आपके पास cos root x है। देखो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, टी भी सपोज तभी करो जब आपका कुछ कौन से ज्यादा क्लियर हो नहीं। अब कौन से क्लियर है हमारा, y का होता है dy बाई dx, या डिफरेंशिएट करना है हमें, तो cos root x का होता है माइनस साइन रूट एक्स, और जो भी कुछ दिखता है यहाँ पे उसको डिफरेंशिएट वापिस पीछे करना पड़ता है, ये तो एक रूल है, चेन रूल हमने ऑलरेडी समझा हुआ है ये, ठीक है। साइन एक्स होता तो एक्स का पीछे करते तो वन हो जाता, पर यह एक्स नहीं है, यहाँ रूट एक्स है तो रूट एक्स का वन नहीं होता है, ये चीजें ध्यान में रखनी है। माइनस साइन रूट एक्स, रूट एक्स का होता है वन अपॉइंट टू रूट एक्स, आपको पता है, तो वन अपॉइंट टू रूट एक्स, बस इससे आगे कुछ सॉल्यूशन है क्या, खत्म। अब महान व्यक्ति बन के ये कट मत कर देना प्लीज, ये एंगल्स है, ये एंगल है, ठीक है, साइन का एंगल है, एंगल एंगल कभी कट नहीं होते। अगर मैं यहां लिख दू साइन थीटा अपॉन थीटा, तो ये कभी कट होता है क्या, नहीं होता है, तो ये भी कट नहीं होगा, बस इतना ही इसका फॉर्मेशन है, इससे आगे ये नहीं जाएगा, ठीक है, इतना हुआ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नाउ द लास्ट एग्जांपल, एक थ्योरेटिकल बेस्ड एग्जांपल है, सो नाउ इन दिस एग्जांपल, सिक्स एग्जांपल, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन की वैल्यू है मोड एक्स, सॉरी दिस इज मोड एक्स, जीरो एक्स एंड थ्री, ये लिमिट्स दी हुई है, जीरो और थ्री के बीच में लिमिट, देखो ये ओपन लिमिट्स है, ओपन लिमिट्स है, यहां पे इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, इट्स नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू टू। देखो मैं एक्स इज इक्वल टू वन पे आपको दिखा रहा हूं, टू पे आपको करना है, मैं यहां लिख रहा हूं एक्स इज इक्वल टू वन, सबसे पहले तो जो कंडीशन हमने सीखी है, जो कंडीशन हमने पढ़ी है, किसकी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन, वो हमें यहां लिखना है, क्या कंडीशन थी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये कंडीशन थी। अब कंडीशन में सी की वैल्यू क्या है, वन, तो मैं यहां वन लिख देता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे भी सी दिखेगा वहां आपको वन रखना होता है, समझ में आ रहा है, इतना आप सीखो, वन नेगेटिव रखू, वन नेगेटिव, नेगेटिव मतलब वन के लेफ्ट हैंड साइड, मैं ये कंसीडर कर रहा हूं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट कंसीडर कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब वन से छोटा ये है। अब अगर मैं लिमिट को चेंज कर दू, अगर ये लिमिट को मैं लिखू एक्स टेंड्स टू जीरो में, देखो लिमिट को मैं क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, एच टेंड्स टू जीरो में लिखा, एच इज अ स्मॉलेस्ट वैल्यू टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, छोटा वैल्यू है जो जीरो के एकदम बराबर है, तो क्या हो सकता है, तो आपका जो ये फंक्शन है यहां पे, देखो वन से छोटे की बात हो रही है, वन से छोटा, ये एक छोटी वैल्यू है, उसको वन में से निकाल दो, तो आपका ये पुराना फॉर्मूला आ गया, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एक्स प्लस एच। देखो फॉर्मूला कैसे बनते हैं, ये यही आपको ध्यान में रखना है, मैंने लिमिट चेंज की तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहां पे भी कुछ चेंजेस करने होते हैं। प्लस एच क्यों नहीं लगाया, क्योंकि राइट हैंड साइड नहीं है, राइट हैंड साइड होता तो यहां प्लस एच लगाता, कि वन से बड़ा, लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए वन से छोटा। अब इसको चलो चेक करें, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, वन माइनस एच हमें डालना है कहां पे, फंक्शन में, फंक्शन नहीं रहा, मोड में है, वन डालना है मोड में, फोल डिवाइड बाय एक्स की जगह हमने चेंज नहीं किया है, एक्स की जगह हमने चेंज करना होता है वन माइनस एच, तो वन वन कैंसल हो गया, यहां आता है माइनस एच, ठीक है, वन माइनस एच
एक स्मॉलेस्ट वैल्यू मैं वन में से माइनस कर रहा हूं तो कुछ आंसर आ रहा है 0.0 समथिंग, 0.99, 0.98, तो उसको ये मोड जीरो ही ले लेता है, उसको ये मोड जीरो ही ले लेता है, जीरो माइनस, अब मोड वन ये तो वन ही होगा, अपॉन माइनस एच, ठीक है, कैंसल। एच की वैल्यू अगर मैं यहां जीरो पुट करूं तो आंसर 1/0 होगा, और 1/0 हमारा आंसर आता है इन्फिनिटी। देखो याद में, यहां पे ध्यान दो, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हमारा इन्फिनिटी आया, तो अगर राइट हैंड लिमिट का आंसर भी इन्फिनिटी ही आता है तो आपका डिफरेंशिएबल होगा x इज इक्वल टू वन पे, अगर सेम नहीं आता है तो नहीं होगा। लेफ्ट हैंड का याद रखना, लेफ्ट हैंड का आंसर क्या आया है इन्फिनिटी। अब राइट हैंड का चेक करें, अब x इज इक्वल टू वन पे मैं राइट हैंड लिमिट ले रहा हूं तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो तो रहेगा, राइट हैंड है प्लस है तो यहां प्लस आएगा, नीचे क्या होता है x, x माइनस वन, x की जगह हम लिखेंगे वन प्लस एच माइनस वन, वन वन तो कैंसिल हो गया इधर ही। नेक्स्ट लिमिट h टेंड्स टू जीरो, वन प्लस एच हमें काम पुट करना है फंक्शन में, वन हमें कहां पुट करना है फंक्शन में, नीचे है h, ठीक है। एक चीज क्लियर रखो, वन में एक स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐड हो रही है, वन पॉइंट समथिंग हो रहा है तो उसको वो लोग वन कंसीडर ही करते हैं, तो वन माइनस वन, न्यूमरेटर जीरो हो गया, न्यूमरेटर जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर भी जीरो हो गया, जीरो अपॉन जीरो हमारा आंसर क्या आएगा जीरो। यहां आपने देखा ये राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा था इन्फिनिटी, ये दोनों इक्वल है नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, दैट मीन्स ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है x इज इक्वल टू वन पे। नाउ x इज इक्वल टू टू पे आपको सेम चीजें सेम मेथड से ही आपको चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, एक्चुअली आपको प्रूव करना है, एक्चुअली आपको प्रूव करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ऑलरेडी ये नहीं ही है, आपको जस्ट उसको ये इलाबोरेशन करके आपको उसको दिखाना है, ठीक है। सो आज की एग्जाम्पल सीरीज यहां पूरी होती है, आप होमवर्क आपके सामने देख सकते हो, ये होमवर्क आप तो आपको घर से करना है, ठीक है, और एग्जाम्पल सीरीज नेक्स्ट आएगी। थैंक यू, देखते रहिए एंड हैव अ गुड डे।